अपने होने के असली मजे। दीदी को इतने भर भर के कलर वाले बलून मारूंगा ना, उनका भूत ही बना दूंगा। पिछली होली उन्होंने मेरा भूत बनाया था ना, अब देखना दीदी आपका भूत बनेगा। अरे यार टाइम भी हो गया है, जल्दी से बाल्टी लेके बाहर चलता हूँ, बालकनी में सेटअप भी तो बैठाना है। की इतने पक्के पक्के लोहे जितने मजबूत कलर लेकर आई हूँ ना, ऐसा रंगूंगी कि महीनों तक नहाएगा तब भी नहीं छूटेगा। है किसी ने मुझे देख के सीटी मारी? है कोई भी नहीं है। आजकल ना बेवजह मेरे ही कान बजते हैं, बड़े दिन से ना मैंने कानों में तेल नहीं डलवाया। अबे कौन है उल्लू का बच्चा जो मजे ले रहा है? दादा तो सामने है ना। अरे दीदी दाएं देख लिया बाएं भी देख लिया, अब जरा ऊपर तो देख लो। दीदी तो पिनक में ऊपर आ रही है, भाग जा पिंकू। मम्मी मम्मी, अरे 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 फिर दबाई शुरू कर दी। अरे बेटा क्या हुलिया बना रखा है, नाली में गिर गई थी क्या? नाली में नहीं गिर गई, बदकिस्मती से गलत लोगों के घर में आके गिर गई हूँ। मेरे ऊपर ये उपकार आपके चहेते राजकुमार पिंकू ने किया है। है कहाँ वो कुत्ता, आज वो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। और मम्मी आप बीच में मत आना, आप ना पिंकू की उल्टी गिनती शुरू कर दो अब। नहीं नहीं बेटा देखो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हाँ मैं बुलाती हूँ। अरे वो तो अभी यही था, वो ऐसा क्यों करेगा? पिंकू पिंकू अब क्यों सुनेगा वो आपकी, सारा कांड तो उसी का किया धरा हुआ है। ठीक है जाओ लड़ो मरो झगड़ो कुछ भी करो। एक हैप्पी होली दीदी, बुरा ना मानो होली है। क्यों ना मानो बुरा? हाँ बेटा जो तूने मेरे साथ किया है ना वो ही अब तेरे साथ भी होगा। रुक तू, हाथ से निकल गया कुत्ता, पर कोई नहीं आएगा तो घर ही लौट के तब बताऊंगी इसे। भाई साहब ये रहा मेरा स्प्रे, और ये रहे वो छोटे मोटे लोगों के लिए गुलाल, और ये है पक्का रंग, जिसको लगाऊंगा ना भूत बन जाएगा उसका रंग उतने नहीं वाला, और ये दूरबीन, हर एक को ना जूम करके गुब्बारे मारूंगा, बहुत मजा आने वाला है। आप तो क्या डिलीशियस सुगंध है यार इसकी, मतलब मेरे को तो सूंघ के इतना मजा आ रहा है, तो जब मैं इसे पीऊंगी तो कितना मजा आएगा यार। ओहो कहने वाले ने सही कहा है, बूंद बूंद पे लिखा है पीने वाले का नाम। एक मिनट मैं स्टॉल आना तो भूल ही गई, ऐसे थोड़ी ना पीऊंगी। पिंकू मैं स्टॉल लेने जा रही हूँ, तू मेरा टच मत करियो। हाँ कितना बड़ा बुद्धू है ये, इसको लगता है कि ये मेरी लस्सी पी गया, पर इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि उस लस्सी में मैंने भांग मिला रखी थी। बस
कुछ देर और, फिर दिखाएगी ये भांग अपना कमाल। पिंकू, तूने मेरी सारी लस्सी पी ली। मैंने तुझे मना किया था ना कि टच मत करियो। अरे तो क्या हो गया दीदी, भाई बहनों में तो इतना चलता है ना। और दीदी, बहनें अपने भाइयों के लिए इतना कुछ कुर्बान कर देती हैं, आप एक लस्सी नहीं पिला सकते? अच्छा चल ठीक है, जा, माफ किया मैंने तुझे, आखिर है तो तू मेरा ही छोटा भाई ना, कोई बात नहीं। दीदी ये देखो, ये है गुलाल, वो भी ऑरेंज कलर का, और ये स्प्रे, जिसको भी लगाऊंगा ना एकदम वो भूसा बन जाएगा, और ये परमानेंट कलर है, एकदम पक्के वाला, जिसको भी लगाऊंगा ना उतरेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो। और ये दूरबीन, जो भी हमारी बालकनी में आएगा ना, उसको भर भर के एकदम जूम करके गुब्बारे मारूंगा, बहुत मजा आ जाएगा दीदी। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा पिंकू, तुझे कुछ हो नहीं रहा? नहीं, मुझे क्या होना है? नहीं नहीं कुछ नहीं। ये दुकान वाला तो बोल रहा था कि बस 5 मिनट में ही चढ़ जाएगी, लेकिन इसे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस दुकान वाले ने मुझे कुछ गलत तो नहीं दे दिया? दीदी मेरा सर दुख रहा है और मुझे सब धुंधला भी दिख रहा है। दीदी मुझे आप भी दो दो दिख रहे हो। हाँ वो पिंकू, कुछ नहीं हुआ तुझे, वो तो बहुत देर से अपने कलर्स की सिलेक्शन कर रहा है ना, तो तू थक गया होगा। क्या मस्त नींद आई यार, मजा ही आ गया। मैं यहाँ कैसे आया? और ये कलर? ये सब किसने किया मेरे साथ? ये तो मैं ही हूँ। नाले पे पड़ा हुआ भाई तेरा फुल सेट है? ये इंस्टा पे किसने अपलोड किया, वो भी मेरी आईडी से? क्यों भाई पिंकू, हिला डाला ना। दीदी आएगा मजा, नहाने से पहले फेस वॉश तो जरूर करेंगी दीदी। ओए पिंकू, तू मेरे रूम में? रूम आपका है तो क्या, घर तो घर वालों का ना, आ जा नहीं सकते? सच सच बता दे हरामजादी, ये तेरी कोई नई चाल तो नहीं है? दीदी भोला वाला बच्चा हूँ, हाँ थोड़े शरारते करता हूँ पर दिल का साफ हूँ, ये क्या बार बार मेरे पे शक करते रहते हो, मेरे को आपसे बात ही नहीं करनी। अबे यार लगते बुरा मान गया, मैं भी ना यार कितनी बुद्धू हूँ, कभी कभी कुछ ज्यादा ही सुना देती हूँ इसे। चलो कोई बात नहीं, बाद में सॉरी बोल दूंगी, अभी पहले जाके नहा लेती हूँ। यस अब आएगा मजा। अरे अरे क्या हो गया, ये औलादे बिना सुधरेंगी नहीं, इन दोनों ने मेरा खून पीने के लिए जन्म लिया है। अरे हुआ क्या, होली अभी आई नहीं कि इन दोनों की चीख पुकार चालू, हुआ क्या है? मम्मी देखो ना, इस पिंकू के बच्चे ने मेरे साथ क्या किया।
शक्ल तो देखो इनकी। रुक जा कुत्ते तू, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। होली के 10 दिन पहले से तूने उस बिचारी का जीना आराम कर रखा है। बेटा तू जा अंदर जा, मुंह हाथ धो, इसको तो मैं बताती हूँ। मम्मी इसको छोड़ना मत। रुक जा तू, रुक जा तू, रुक जा। राम ज्यादा चुपचाप बैठ यहाँ पे, टांगे तोड़ दूंगी वरना। अच्छा तो शिमला मिर्च कट रही है, इसका मतलब खाने में शिमला मिर्च बनी है। काट काट, स्पीड से काट जरा। जी मम्मी जी। वैसे मम्मी जी आपका मन तो नहीं लगता होगा, है ना? हाँ बहू, मन तो नहीं लगता, पर क्या करूं, इस उम्र में दूसरी शादी करना भी तो शोभा नहीं देता ना। अरे मम्मी जी आप शायद गलत ले गई, मैं चाय की बात कर रही हूँ। चाय बना दूं आपके लिए? चाय के बिना आपका मन नहीं लगता होगा ना। चाय? हाँ जा जल्दी से कप चाय बना ला। मम्मी सुनो, अभी ना घर पे वो मंडराती हुई गुड़िया आएगी, आपको ना उसको झूठ बोलना है। आपको उसको बोलना है कि मैं घर पे नहीं हूँ, बस समझो टोपी पहनानी है। मासी ताई चाची दीदी किसी के यहाँ भी बोल देना, कुछ भी एड ऑन कर देना, बस उसको ये बोलना कि मैं घर पे नहीं हूँ। क्यों भाई क्यों, झूठ क्यों बोलने के लिए बोल रही है तुम मुझे? मैं क्यों बोला झूठ बोलूं? अरे मम्मी आपको तो पता ही है यार कि मेरे को होली बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अभी वो घर पे आएगी और मुझे पूरा रंग लगा देगी। और मम्मी आपको पता है वो कलर भी ऐसे ही लगाती है जो बिल्कुल छूटते ही नहीं है। और मम्मी आपको पिछली होली याद है, उसने ऐसा रंगा था मुझे कि ऐसे ही 8 दिन तक भूत बन के स्कूल गई थी मैं। और मैम ने तो मेरी अटेंडेंस तक कट कर दी थी ये बोलकर कि तेरी शक्ल तेरी आईडी कार्ड से मैच नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा चल ठीक है, मैं बोल दूंगी, लेकिन हाँ पहली और आखिरी बार, इसके बाद मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ हाँ मम्मी थैंक यू सो मच। हाँ जा पिंकू गेट खोल दे, कौन है? हेलो पिंकू, हैप्पी होली। हैप्पी होली दीदी। नमस्ते दादी, नमस्ते आंटी, हैप्पी होली। नमस्ते बेटा, नमस्ते, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली बेटा, हैप्पी होली गुड़िया बेटा। अच्छा आंटी सिब्बू गाय कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो क्या है ना हम सारे कॉलोनी के बच्चे मिलकर ना होली खेल रहे हैं, सभी लोग आए पर वो तो आई नहीं, प्लीज आप उसको बुला देंगी? अरे बेटा सिब्बू तो वो तो हाँ वो अपने पापा के साथ गई है अपने बुआ के घर, वहीं पे होली मनाएगी, वो तो घर पे है ही नहीं। अच्छा ठीक है आंटी कोई नहीं। हाँ हाँ दीदी, वो दीदी तो घर पे है ही नहीं और ना अपने रूम में कंबल में छुप के बैठी है। नहीं नहीं, और मम्मी को उन्होंने झूठ बोलने के लिए भी नहीं बोला, हमारी मम्मी एकदम सच बोल रही है। आप चाहे तो रूम चेक कर लो, जाओ। आंटी मुझे ना बहुत से सुसु आई है, मैं ना वॉशरूम जाती हूँ। अच्छा बेचे तो तेरी बुआ का घर ये है, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगी बेटा। नहीं 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 यार देख 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 प्लीज प्लीज बेड पे रंग मत लगाइयो यार, देख मम्मी मारेंगे, तुझे लगाना है ना रंग, मैं नहीं जा रही हूँ, फिर लगा दियो। हाँ ये ले लगा ले। सुन गुड़िया, तू मेरी दोस्त है ना, तूने देख मेरे को कलर लगाया ना, मेरा भूत बनाया ना, तेरे को मिल गया सुकून।
तुझे आज हमारे दोस्ती का लोन चुकाना ही पड़ेगा, इस पिंकू के बच्चे का बंदर बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, बंदर बनाने? ये काम तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, अभी आप सुबह ही 10-20 को मैं बंदर बना के आ रही हूँ। चल हम दोनों मिलके इसको बंदर बनाते हैं। निकल जाएंगे, सुबह से झाड़ू पोछा बस यही तो मारे जा रही हूँ, अब कौन लगाएगा झाड़ू पोछा? होली आई नहीं कि बस पोछा लेके सारा दिन फर्श पे घिसती रहूं, हाँ अब कौन करेगा? बेटा जितनी झाड़ू मैंने इस घर में इस फर्श पे चलाई है ना, अगर उतनी झाड़ू तुम दोनों पे चलाई होती ना तो आज तुम दोनों सुधर जाते, लेकिन नहीं मैं तो पागल हूँ जो सारा दिन इस घर में काम करती रहती हूँ, तुम दोनों के लिए तरह तरह के पकवान बनाती रहती हूँ, तुम्हारी दादी के लिए चाय बनाती रहती हूँ, और गुड़िया तू, तेरे को मना किया था ना मैंने कि सिब्बू घर पे नहीं है, फिर तू घर में घुसी कैसे? हाँ कैसे घुसी? तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि दूसरों का घर गंदा नहीं करते? चल जा अपने घर जा और अपना घर गंदा कर, तेरी माँ करेगी काम वहाँ पे, जा। सॉरी आंटी, बाय। छोरी आंटी छोरी, और तुम दोनों, हाँ तुम दोनों चुपचाप नहा धो के घर में ही बैठो, अगर इस घर से बाहर गए ना तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी मैं। अरे होली वाले दिन क्या गला फाड़ रही है बुड्ढी, मैं हो रही है सिखा रही है तू? साल में एक बार होली का त्योहार आता है, बच्चे नहीं खेलेंगे तो मैं खेलूंगी, उनका खेलने जाने का मन है तो जाने दे, क्यों रोक रही है तू? अरे मम्मी जी क्या खेल लेने दूं, सारा दिन इस घर में पोछा मार मार के मेरी पूरी कमर टेढ़ी हो गई है, और आप कह रही हो खेल लेने दूं, और आपका क्या है, आपको तो हर 10-10 मिनट पे चाय चाहिए होती है, चाय बना दे बहू, बस चाय गटकते रहती हो, घर का सारा काम तो मैं करती हूँ, बस मेरा काम यही तो बचा है, मैं घर में पोछा मारूं आपकी चाय बनाऊं, घर में पोछा मारूं आपकी चाय बनाऊं। चाय 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 को तो तू बीच में घसीट मत, एक चाय बनाने में तो तेरे प्राण निकल जाते हैं। बड़ी आई, जाओ बच्चों तुम जाओ खेलो होली, नेम प्लेट पर अभी भी तुम्हारी दादी का नाम लिखा है, और जाओ तुम लोग खेलो होली, मैं देखती हूँ तुम्हें कौन रोकता है, जाओ समझे तुम, जाओ मरो जाके डूब मरो। विशिंग यू वेरी 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 हैप्पी होली। गाइज हमने तो होली बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई, तो आपने कैसे होली मनाई है वो मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना, और अगर वीडियो पसंद आई हो, रिलेटेबल लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अभी मेरी रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं, और जैसे ही मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, और गाइज 4 मिलियन होने ही वाले हैं, तो फटाफट से मेरे 4 मिलियन कराओ। बाय बाय, लव यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।